हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का मैथ, जो कि पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, इसको हिंदी में आप कहेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम माने क्या होता है? आपका संख्या पद्धति होता है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आप यहाँ पर क्या क्या होता है, जो संख्या के बारे में होता है, सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पर वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, सभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराने पर आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर आपका कुछ क्या है संख्या पद्धति में, देखिए क्या होता है। पहला तो आपका समझ लेते हैं संख्या, यानी संख्या और अंक में क्या अंतर है, संख्या और अंक में क्या अंतर है। देखिए, जो अंक होता है वो आपका 0 होता है, 1 होता है, और 2 होता है, और 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, और 8 होता है, और 9 होता है। अंक आपके केवल इतने 10 ही होते हैं, कहां से 0 से लेकर 9 तक। लेकिन संख्या की बात करेंगे तो संख्या आपका 0 से लेकर के आपका धनात्मक संख्या अनंत तक होती है और ऋणात्मक संख्या अनंत तक होती है। यहाँ पर आपका ये जो संख्याएं हैं वो आपका बहुत अधिक होता है। तो ये अगर एक भाषा में कहे, अगर कोई आपसे अंतर पूछ ले कि संख्या और अंक में क्या अंतर है, आप सिंपल सा तरीका ये कह देंगे कि संख्या जो आपका होता है वो अंक से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अंक जो होते हैं 10 होते हैं केवल, और संख्या क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको संख्या के बारे में और बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संख्या एक तो आपका होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जैसे आप जो भी संख्याएं आपका गिनती के रूप में प्रयोग होती हैं वो सब संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और गिनती के रूप में कहाँ से प्रयोग होती है, अगर आप मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं या कोई वस्तु की काउंटिंग करते हैं तो आप कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से एटसेट्रा शुरू करते हैं। तो आपका ये जो गिनती के रूप में प्रयोग होने वाली संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर इनको डिनोट करने की बात करेंगे तो ये आपका डिनोट की जाती है आपका कैपिटल एन से। अगर हम बात करें पूर्ण प्राकृतिक संख्या या पूर्ण प्राकृतिक संख्या के बारे में, तो देखिए पूर्ण प्राकृतिक संख्या होता क्या है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या में, और इसको हम दिखाते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। पूर्ण प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि जैसे आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा, और इसी में हम क्या करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं। जब 0 शामिल हो जाता है तो आपका कहलाता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या या पूर्ण प्राकृत संख्या। यहाँ पर एक और नाम होता है, जैसे प्राकृतिक हो गया तो एक नाम हम इसको कहते हैं प्राकृत, इसे प्राकृतिक को हम प्राकृत भी कहते हैं, कोई कंफ्यूजन ना होगा। यहाँ पर हमने आपको प्राकृतिक और प्राकृतिक के बारे में बता दिया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब बात करेंगे हम परिमेय संख्याओं की, किसकी, परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर, इसको हम दिखाते हैं क्यू से, किसे दिखाते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू रहता है। और परिमेय संख्या को देखिए, आप लोग सभी जानते होंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है, जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में क्या कर सके, लिख सके। यह आपका होता है अंश ऊपर वाला और नीचे वाला आपका होता है हर। तो जहां पर एक पी और क्यू, पी एंड और क्यू जो भी है, ये सब क्या है, पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक है। अगर बात करें कंडीशन की, जो आपका हर होगा यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का जो भी मान होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। और अब बात करेंगे हम परिमेय की,
परिमेय है परिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल लेकिन जो इंग्लिश होता है उसमें हम आई आर जोड़ देते हैं तो इरेशनल नंबर बन जाता है। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है, इसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए हम आगे वाले क्वेश्चन को हम अगर अगला देखिए क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखिए क्या होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या देखिए क्या होता है कि जो भी आप इसको दिखाते किससे हैं, कैपिटल आर से, रियल नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखिए आपका जो वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्या बनती है वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको मुख्य क्या था, परिमेय था। इस चैप्टर में हम परिमेय और पूर्णांक और पूर्ण पूर्णांक प्राकृतिक और पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और पूर्णांक के बारे में, हाँ पूर्णांक हमने नहीं बताया आपको, पूर्णांक के बारे में बता देते हैं। पूर्णांक देखिए क्या होता है, पूर्णांक आपका जो भी पूरी तरह से अंक के रूप में लिखा जाता है वो सब क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। आपका पूर्णांक जो भी संख्या होगा ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो यानी धनात्मक और ऋणात्मक की संख्याएं साथ में जीरो, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी जो पूरी तरह से क्या हो अंक के रूप में। अगर हम बात करेंगे एक बटे दो, ये पूरी तरह से अंक में नहीं है, ये भिन्न के रूप में है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। अगर डेसिमल में कहा जाएगा तो ये भी पूर्णांक नहीं होगा, और कड़ी में कहा जाएगा कोई भी संख्या तो ये भी आपका पूर्णांक नहीं होगा। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम पूरी तरह से अंक के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है आप यहाँ पर देख लीजिए कि पहला नंबर क्या है, उदाहरण नंबर पहला है कि नीचे दिए गए कथन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर का औचित्य अपने उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होता है, हमने बताया कि डब्ल्यू, डब्ल्यू से दिखाते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो एक दो तीन चार पाँच छ इस प्रकार से एटसेट्रा, यानी इत्यादि अनंतक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं या पूर्णांक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब देखिए एक प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या आपका क्या होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है और छः डांड इस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में क्या है कि एक से शुरू हुआ है और होल पूर्ण प्राकृतिक संख्या में क्या शुरू हुआ है, जीरो से। तो आपका जो एक से शुरू हुआ है संख्याएं ये सब तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन अगर जीरो की बात करें, किसकी, अगर हम इस जीरो की बात करेंगे, इस जीरो की बात करेंगे तो ये आपका पूर्ण प्राकृतिक संख्या है ना कि प्राकृतिक संख्या, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए असत्य है, क्योंकि शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखिए क्या है, ये आपका सही है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई आपका चार लिखा हुआ है तो हम इसको चार बटे एक कर सकते हैं, यानी हम इसको चार बटे एक के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ये आपका कथन सत्य हो जाएगा। और तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो आपका प्रत्येक पूर्ण परिमेय संख्या आपका पूर्णांक होती है। देखिए आपका कथन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, कि जैसे यहाँ पर तीन बटे पांच लिखा हुआ है तो तीन बटे पांच तो आपका पूर्णांक नहीं है ना। और इसी प्रकार से हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे चार बटे पांच हो गया, दस बटे बारह हो गया, इस प्रकार से हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ उदाहरणों की कमी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सिंपल सर आपको तरीका क्या है, देखिए अगर मान लीजिए एक तो एक तरीका है कि अगर कहा रहता कि एक और दो के बीच परिमेय संख्या यानी
यानी बीज की संख्या ज्ञात करने के लिए। बीज की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक प्लस दो करते हैं और दो से भाग दे देते हैं, दो एक तीन, 3/2 हो जाता है, और आपका 2 1 2 2 1.5। आपका अगर बीज की संख्या पूछा होता तो इस प्रकार से निकालते हैं। अगर यहाँ अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। अब जब एक और दो के बीच परिमेय पांच परिमेय संख्या निकालनी है तो इसमें देखिए क्या करते हैं, एक तो आपका ये नियम है कि यहाँ पर पांच परिमेय संख्या का है, पांच परिमेय संख्या का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि आपका पांच परिमेय संख्या क्या है, तो 5 + 1 करते हैं, यानी पांच परिमेय संख्या का है तो 5 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 को अगर हम 6/6 लिख दें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी 1 में हम क्या कर दें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो आपका वापस से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 बराबर करके ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं, तो आपका 6 से जब गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12/ कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखेंगे तो हर का मान क्या होता है, बराबर हो गया। देखिए इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो हर का मान क्या कीजिए, बराबर कीजिए, जब हर का मान बराबर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अब देखिए 6/6 हो गया, अब 12/6 हो गया, तो इनके बीच हम परिमेय संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, 7/6 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या निकल गया, यह हो जाएगा आपका इनके बीच की संख्या हो जाएगी। तो देखिए कितना आसान था और आसान भाषा में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। यहाँ देखिए आपका प्रश्नावली 1.1 है, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां आपका P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो देखिए शून्य क्या है, जैसे मान लीजिए आपका पहले क्वेश्चन का है शून्य, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए इसको हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, देखिए 0 जो है पूर्णांक है और एक क्या है, पूर्णांक है, तो यह आपका कथन क्या होगा, सही हो जाएगा। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में क्या करना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माना लिखेंगे, माना ये आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, माना 3 और 4 के बीच 6 कितनी, 6 परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए जितनी भी कहा जाता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपका 6 यानी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो आपका 7 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि 3 और 4 के बीच में कहा, तो यहाँ पर जो 7 है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 3 में हम क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे, और 4 में 7 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, के बीच 6 परिमेय संख्या, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 से 21/7 हो जाएगा, और 28/7 हो जाएगा, के बीच परिमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या निम्न प्रकार से है, यहाँ पर देखिए 21/7 है, तो आपका ये तो आपका 7 * 21 हो जाएगा, वही माना जाएगा, तो 21/7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका संख्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, और 25/7 हो जाएगा, 26/ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ 27/7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 छह परिमेय संख्या आपका निकल गया, और अब इसी से इसलिए आपका आंसर हो गया।
अब देखिए दूसरा कंप्लीट हो गया, अब आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको 3/5 क्या है, यहाँ पर थोड़ा इसको इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच की आपको संख्या निकालनी है, कितनी परिमेय संख्या, तो लिखेंगे ये तीसरे वाले का माना 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, n +1 करेंगे, आपका n का मान 5 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो बराबर आपका आ जाएगा 6। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या करेंगे, इसी संख्या में हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 है, यहाँ पर देखिए 3/5 में हम जब ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18/6 6 5 30 हो जाएगा, और 4/5 है, 6 6 24, 24/ कितना हो जाएगा, 24, 24/ आपका 30 हो जाएगा, कि बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा, 5 परिमेय संख्या है आपका हो जाएगा 18 है, 19/30, 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30, उसके बाद 24/30, उसके बाद आपका 24। यहाँ पर देखिए 5 का 1 2 3 4 5, यहाँ आपका 5 संख्या निकल गया। अब देखिए चौथे नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपका कह रहा है, जैसे हमने आपको उदाहरण नंबर 1 फर्स्ट बताया था, सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पर आपका क्या है, चौथे नंबर के दिए गए कथन को अब सत्य और असत्य बताना है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है कि ऐसा क्यों है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या आपका देखिए क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या आपका 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं, और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या को हम W से दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब देखिए जो यहाँ पर 0 है, 0 जो है आपका वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, या आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिख देंगे 0, क्या है 0 प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक, ये पहले का हो जाएगा। दूसरे का देखिए क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या देखिए क्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक यानी पूर्णांक क्या होते हैं, ये आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, तो यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में देखिए क्या होता है, 0 होता है, धनात्मक होता है, ये धनात्मक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस प्रकार की संख्या है, -1 -2 प्रकार की संख्या होती है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका पूर्ण संख्या क्या होती है, इधर की संख्या होती है, यह तो संख्या होती नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये कथन आपका गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आपका ऋणात्मक संख्याएं आपका पूर्ण संख्या नहीं होती है, यहाँ पर लिख देंगे ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, ये आपका सेकंड वाले का हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले का। यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। अब यहाँ पर आप तीसरा देखिए, तीसरे में देखिए क्या करना है आपको, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 इस प्रकार से, प्रत्येक एक सॉरी प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी जब से मान लीजिए 1/2 है, तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका भी कथन सत्य असत्य हो जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो आपको धन्यवाद, आपको क्योंकि यहाँ पर तो वीडियो में थोड़ा टेक्निकल एरर के कारण आपका यहाँ पर क्वेश्चन में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और जो भी इसमें त्रुटि हो इस वीडियो में उसे आप अगले वीडियो में बताएं, उसे हम अगली वीडियो में सुधार करेंगे। यहाँ पे लिखावट की जो बात है, ये लिखावट थोड़ी खराब है, ठीक है। अब इस पे हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे लिखने का, तो जब प्रैक्टिस हो जाता फिर अगला वीडियो बनाते हैं, तो जल्द ही वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए आप इस चैनल को, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।